डिलिमिटेशन को लेकर जम्मू कश्मीर में सियासत तेज हो चुकी है और डिलिमिटेशन कमीशन की सेकेंड रिपोर्ट जैसे कि शुक्रवार को जारी होने के बाद सभी पांचों एमपीज को इसकी रिपोर्ट सौंप दी गई थी और अभी रिएक्शंस आना शुरू हो चुके हैं। और आपको बता दें कि एनसी की तरफ से इस डिलिमिटेशन कमीशन की जो सेकेंड रिपोर्ट है इसे रिजेक्ट कर दिया गया है, जो कि समय की बड़ी खबर सामने आ रही है और इस पर अब कहीं ना कहीं सियासत भी जमकर देखने को आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। और मैं आपको बता दूं कि डिलिमिटेशन के लिए साफ तौर पर एनसी पार्टी का कहना है कि जो ये पैनल है जिसकी तरफ से डिलिमिटेशन की गई है ये टोटली गलत तरीके से की गई है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से की गई है। और भी अब इस पर देखना जरूरी होगा कि अन्य पार्टियों का क्या रुख होता है, पीडीपी इसमें क्या कहती है, क्योंकि पीडीपी हमेशा से ही सुर्खियों में रहती है जब भी सरकार कोई नीति लेकर आती है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से जो भी काम किया गया है वो सारा का सारा काम एक इंडिपेंडेंट और एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरफ से किया गया है जिसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस समय जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि डिलिमिटेशन को लेकर एनसी ने इसका जो दूसरी रिपोर्ट का जो प्रपोजल था उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं और क्या कहा गया है इसमें, यह भी कहा गया है एनसी के जो एमपी हैं हुसनैन मसूदी उनकी तरफ से खासतौर पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि ये अनजस्टिफाइड है, अनएक्सेप्टेबल है और इसमें हमने कुछ सजेशन सरकार को ऐड करने के लिए कहा था, हमने भी कुछ अपने सजेशंस रखे थे, हमने बहुत सी ऐसी बातें थी जो हमने अपनी बातें रखी थी, कुछ अमेंडमेंट्स थे जिनको लेकर हमने बात की थी लेकिन उनको कंसीडर नहीं किया गया है, ये कहना है हुसनैन मसूदी जी का। और इस पर उनका साफ तौर पर ये रुख जो है ये देखने को मिला है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये अनजस्टिफाइड है, अनएक्सेप्टेबल है। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से एक सीट कश्मीर घाटी के लिए और छह सीटें जम्मू संभाग के लिए बढ़ाने की बात कही गई थी डिलिमिटेशन में, तो अब ये कहीं ना कहीं एक ऐसा जाल सा लग रहा है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में और आने वाला समय ही तय कर पाएगा कि जम्मू कश्मीर की अब जो पॉलिटिक्स है वो इस डिलिमिटेशन को लेकर किस ओर रुख करती है। और आपको एक और इसमें दिलचस्प बात बता दूं कि इनका ये भी इसमें कहना है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जिन्हें पूरी तरह से बदल कर रख दिया है और नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज खड़ी कर दी हैं उसको और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को खत्म कर दिया गया है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस पर इनको भेदभाव नहीं करना चाहिए था और इस पर विचार करने चाहिए थे और हमने अपने सजेशंस इसमें रखे थे। और जिसमें मैं आपको बता दूं 20 दिसंबर को डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से रिपोर्ट पहली आई थी और उस समय भी जमकर सियासत देखने को मिली थी लेकिन उस समय अपने सुझाव रखने का समय था। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं ये पांचों एमपीज को ये रिपोर्ट सौंपने के बाद अभी भी सरकार ने ये विकल्प रखा है, डिलिमिटेशन कमीशन ने ये विकल्प रखा है कि कोई भी इस पर अगर अपनी अभी भी किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो अपनी ऑब्जेक्शन रख सकता है। इसमें मैं आपको बता दूं 6 सीटें जम्मू के लिए, जम्मू संभाग के लिए और एक सीट कश्मीर घाटी के लिए बढ़ाई गई है। और अब देखना जरूरी होगा कि डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका क्या कुछ कहना होगा। देखते रहिए चैनल 1 कैमरा के उस, और मेरा साथ दे रहे हैं अश्विनी कुमार।